नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से रिंकी फैमिली ब्लॉग्स में। और दोस्तों, पिछले वीडियो का मैंने इंड किया था इससे पहले ही, जब मैं गंगा जी से आई थी, तो ये रास्ते में ब्रह्मा जी की मूर्ति है यहाँ पे, वहाँ भी सब पूजा करते हैं, तो इसलिए इस मंदिर में भी आई हूँ। घर भी नहीं गई, यहाँ पूजा करने के बाद मैं घर जाऊँगी। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है ना, मतलब कि बगल में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है मेरे घर से, तो वहाँ पर पहले पूजा करने के बाद फिर आई हूँ घर, और घर से अब जा रही हूँ देवी स्थान पूजा करने के लिए। उसके बाद हम घर आएंगे तो खाना वाना होगा बनाना। तो ये देखिए, आज है जो आम की चटनी ज़रूर खाई जाती है, तो ये आम लाए हैं और साथ में लाए हैं बेल, देखिए ये भी खाया जाता है आज के दिन। और ये धनिया की पत्ती है, और ये है खीरा, और ये परवल, तो कुछ कुछ सब्जियाँ ले आए थे। और यहाँ पे मैंने दाल चढ़ाई हुई है, और ये है सत्तू और गुड़, जो कि आज हम लोग सबसे पहले खाते हैं पूजा पाठ करने के बाद। तो बस थोड़ा ही खाऊंगी, जो रीति रिवाज होते हैं, जो विधि होती है, बस वही करना है। वैसे मैंने चूल्हे पे दाल चावल चढ़ा रखा है, बस थोड़ा सा सत्तू गुड़, थोड़ा थोड़ा, मतलब सबको ही ले लेंगे नहाने के बाद, सबसे पहले यही खाया जाता है। आम की चटनी भी बनाई जाती है, तो भी मैं नहीं बना रही हूँ, पहले ये थोड़ा सा खा लेती हूँ, उसके बाद चटनी बनाऊंगी। और खाना जो है वहाँ पे आप देख सकते हैं कुकर में दाल चढ़ी हुई है। तो दोस्तों, अभी देख सकते हैं मैंने आके खाना बनाना शुरू कर दिया है, और आज खाया जाता है सत्तू मीठा, और ये जो आम है ना, कच्चा आम, उसकी चटनी बना के खाई जाती है आज के दिन। और आज के दिन ना बेल का शरबत भी किया जाता है, तो मैंने बेल भी मंगवाया है। ये देखिए दोस्तों, बेल भी आया, इसका शरबत बनाऊंगी, अभी नहीं बनाऊंगी, मतलब थोड़ी देर के बाद, अभी तो हम लोग खाएंगे पिएंगे। और देखिए यहाँ पे अभी हम लोग जाते हैं, इसको पहले खा लेते हैं, क्योंकि नहाने के बाद सबसे पहले सत्तू मिठाई खाया जाता है, पहले इसको सानेंगे और फिर खाएंगे, फिर जो है खाना हमारा होगा। तो बस वही सत्तू में गुड़ और घी मिला के मैं इसको अच्छे से देखिए बना लेती हूँ लड्डू जैसा। अब और एक एक दो दो लड्डू सबको ही खाएंगे, क्योंकि सत्तू मीठा मतलब खाना सबको पसंद नहीं है। मेरे यहाँ सत्तू पीना पसंद है, नमक डाल के, नमक प्याज हरी मिर्च ये सब डाल के सत्तू का शरबत पीते हैं, या फिर सत्तू की रोटी पूरी पराठे ये सब बना के खाते हैं। ऐसे कोई सत्तू मतलब खाना पसंद नहीं करता है, तो आज के दिन तो खाना ही है, इसलिए मैं थोड़ा सा सत्तू बना देती हूँ इस तरह से। और इतने में हम तीनों लोग खा लिए थे। विशाल आज आने वाला है, फिलहाल अभी नहीं आया है, शाम में आएगा, तो अभी हम तीन लोग ही हैं। बस छोटा छोटा लड्डू बना कर सबको दो दो दे दिया है, और मैंने भी खा लिया है। और यहाँ पे देखिए साग रखा हुआ था, तो मैं पूजा करने में लगी हुई थी ना, और ये रख दिए थे लेके, तो उसको भी बनाना है। दाल तो यहाँ पे हो ही चुका है, देखिए चढ़ी हुई, मतलब चावल भी बनेगा। और ये आम मैंने है जो छील लिया है, आम की चटनी, और उसमें धनिया पत्ता डाल के ही बना रही हूँ। तो जब मैं गंगा जी गई थी ना, तो उधर से ही ये चले गए थे मार्केट सब्जियाँ लाने के लिए, और उसके बाद मैं इधर अकेले ही आ गई थी। साथ में तो हम लोग गंगा जी गए थे, लेकिन इनको जाना था मार्केट सब्जी वगैरह लानी थी, तो वही ये चले गए। और ये बेल जो है, आम बेल, धनिया पत्ता, परवल ये सब लेके आए हैं, तो दाल में ही मैंने परवल डाल दिया है, उसका चोखा बनाऊंगी। रात की सब्जी भी बची हुई। तो आज सुबह से ही, मतलब सुबह से क्या, लगभग 4 बजे से ही उठ के ये सारे काम में निपटा ही रही हूँ, फिर भी अभी तक मेरे यहाँ खाना नहीं बना है। तो बस धनिया की पत्ती आप देख सकते हैं, और आम का चटनी बनके हो गया है रेडी, बहुत देखने में अच्छा लग रहा था, और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो ये आम मार्केट से लाए हैं, जबकि मेरे आम का पेड़ है, तो ऐसा हुआ ना कि इस बार जब आम में तेल छिटा गया, दवा का छिड़काव किया गया ना, उसके बाद तुरंत ही पानी बरस गया था, तो सारे जो मंजर लगे हुए थे ना वो जल गए, तो इस बार मेरे यहाँ उतना आम नहीं आएगा, बहुत ही कम, मतलब सारे पेड़ के जो मंजर ही मतलब झड़ गए, तो आम कहाँ से आएगा। तो ये मार्केट से लाए थे, 50 रुपये 1 kg दिया था, तो 2 ही लाए थे, पता नहीं 250 ग्राम था या कुछ। तो बस चटनी वटनी पीसने के बाद ये जो
साग मैंने लिया है ना, वो बना रही हूँ। साग मुझे बहुत अच्छा लगता है, बस मेरे घर के नीचे ही बुना हुआ है, आप देख सकते हैं थोड़ा बड़ा हो गया है, तो बस पत्ते पत्ते ही मैं निकाल रही हूँ, डंठल को छांट दे रही हूँ, उसका नहीं बनाऊंगी, सिर्फ पत्तों का ही साग बनाऊंगी। तो दाल को अभी मैं मिला ले रही हूँ अच्छे से, गर्म पानी इसमें ऐड करूँगी, बहुत गाढ़ा था, और परवल भी निकाल के रख लिया है, उसका चोखा बनाऊँगी। बस दाल में छौंका लगाना है, चोखे को भी छौंक दूँगी। और वहाँ पे देखिए परवल मैंने निकाल लिया है ना कटोरे में, और ये है चावल, साग भी हमारी बन चुकी है, और मैं अब अपना खाना निकाल लेती हूँ। टेस्टी टेस्टी साग मेरा तो एकदम फेवरेट ही है। तो ये देखिए रात की सब्जी बची हुई है हमारे यहाँ आलू बैंगन की, चावल मैंने रख लिया है, दाल रख लिया है, और ये है परवल का चोखा, और भी है इसमें, ये मिर्च का अचार है, और ये साग तो बहुत बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट है। हर तरह की साग मुझे पसंद है खाना, और साथ में अभी जो मैंने चटनी पीसी ना, ये धनिया और टिकोले की चटनी है, आम जब छोटा होता है ना तो उसको टिकोला बोलते हैं, तो उसी की चटनी। चलिए आप लोग भी आइए खाने के लिए, हमारा दोपहर का ये लंच कैसा लगा आप सबको? जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में जो भी मुझे जल्दी लगा मैंने बना लिया, तो फटाफट ये खाना हमारा तैयार हो गया। फिर भी टाइम लगभग 11 बज ही गए थे सुबह से, जबकि मैं लगी हुई हूँ। तो दोस्तों हम अच्छे से खा पी लिए और ये तो सो भी गए हैं, बस अभी दोपहर के बज रहे हैं 11। आप सबको मेरी तरफ से फिर से अम्बेडकर जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं और सतवाने के लिए। चलिए वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, आप लोग लाइक नहीं करते तो अच्छा नहीं लगता है। अगर लाइक नहीं कर सकते हैं ना तो प्लीज़ कमेंट करके ये तो बता सकते हैं कि आप लोग कहाँ से मुझे देखते हैं, किस ज़िले से, किस गाँव से, कहाँ से देखते हैं, ये बता दीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी वीडियो लोग यहाँ यहाँ से देखते हैं, मुझे जान के बहुत खुशी होगी। तो दोस्तों अभी शाम हो चुकी है, शाम के लगभग 3:30-4 ऐसे हुई हो रहे होंगे। तो अभी थोड़ी देर पहले ही आया है विशाल, और ये दूध का मैं बना रही हूँ पनीर, पनीर की सब्जी बनाऊंगी रात में, पालक भी मैंने मंगा लिया है, पालक पनीर बनाना है, तो इसलिए क्योंकि विशाल आया है तो उसके लिए कुछ पनीर का, मतलब उसको पनीर की सब्जी बहुत पसंद है, चाहे पालक पनीर हो चाहे ऐसे पनीर की सब्जी, उसे पसंद बहुत ज़्यादा है। तो चलो उसके लिए मैंने ये पनीर जो है निकाल लिया है, और जो बेल था ना उसका हम लोग अभी बना रहे हैं शरबत, अभी पियेंगे। और बहुत धूप था, सुबह ही आने वाला था लेकिन आया नहीं धूप के कारण, तो बस अभी अभी ही आया है थोड़ी देर पहले, तो बस यहाँ पे अभी बेल, देखिए शरबत बनाया जा रहा है, और इसने पहले ही आइस क्यूब डाल दिया छन्नी में छानने से पहले ही, तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। और बेल का शरबत किसको किसको पसंद है बताइएगा, बेल में बहुत सारे रेशे होते हैं दोस्तों, तो इसलिए उसको छानना पड़ता है, उसको छान के निकालना पड़ता है, और उसका ऊपर वाला जो हार्ड खोपड़ी जैसा होता है ना वो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, उसमें बीज नहीं होते किनारे किनारे, नहीं बीज वाला गूदा का मैं बना रही हूँ, किनारे किनारे जो भी था ना हम लोग चम्मच से उसको निकाल के खा गए। अब छानने के बाद मैं इसमें चीनी डालती हूँ हमेशा से ही, क्योंकि बहुत सारे रेशे रहते हैं ना, पहले उसको निकाल के फिर चीनी, अपने हिसाब से आप जितना डालें जितना मीठा आपको पसंद हो। तो फिलहाल देखिए शरबत हो गया है रेडी, और अभी हम लोग पीते हैं, आप लोग भी आ जाइए जिनको भी बेल का शरबत पसंद हो। तो यही सब करते करते मतलब आज का दिन कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। सो दोपहर में जब मैंने खाना खाया था ना उस टाइम खाना खाने के बाद मैं 2 घंटे के लिए सो गई थी, और बस यही विशाल आया है बेल बजाए इसने तो फिर मैं जागी हूँ। और बस यहाँ पे देखिए पालक भी ये ले आए थे, मतलब से जो साग है ना हमारे यहाँ खरीदना, मतलब बाज़ार से ख़रीदना नहीं पड़ता, आसपास में ही बुना हुआ रहता है, सब बेचते हैं खेतों में ही, बस खेतों में से जाके लाना होता है। तो हल्का सा उबाल के इसको ठंडा कर लिया, देखिए पानी गिरा के, ताकि इसका कलर और ज़्यादा ना हो। और यहाँ पे सत्तू बना के रख लिया, पालक को पीस भी लिया है, प्याज धनिया की पत्ती कटी हुई है आप देख सकते हैं, और पनीर को मैंने रख दिया था फ्रिज में तो अच्छे से जम गया, मैंने ज़्यादा देर नहीं हुआ है बस आधा घंटा ही, और आधा घंटे में अच्छे से पनीर जो है देखिए अच्छे से मतलब
जम गए हैं, उसको काटने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। एक तरफ दूध चढ़ा दिया है और अभी जो है पालक पनीर की सब्ज़ी बन रही है। किसको किसको पनीर की सब्ज़ी पसंद है दोस्तों, आप लोग बताइएगा ज़रूर। और बनाऊंगी मैं सत्तू के पराठे इसके साथ, क्योंकि मतलब कुछ खास तो बनाना ही है। वैसे आज सत्तू का ज़्यादा विशेष महत्व होता है, सब सत्तू खाते हैं, दान भी करते हैं। तो सुबह में तो बस थोड़ा थोड़ा ही हमने खाया था, तो वो सोचा कि चलो सत्तू वाली रोटी या पराठे जो आप लोग बोलते हैं, हम लोग तो सत्तू वाली रोटी बोलते हैं, तो वही बनाते हैं तवे पे। तो बस अभी पनीर को अपने मनपसंद शेप में काट लेते हैं दोस्तों, और चाय बना के मैंने सबको दे भी दिया था, मैंने भी पी लिया। अभी जब मैं खाना बना रही हूँ लगभग 6:30 या 7 हो रहे हैं, क्योंकि संझावाती मैं दिखा चुकी हूँ। थोड़ा सा पनीर मैंने कद्दूकस करके ऊपर से डाला, बहुत ही अच्छा लगा और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा था। आटा भी मैंने लगा लिया है, अब रोटियां सेकूंगी और लगे हाथ, ये तो मेरी आदत है शुरू से ही, मैं गर्मा गर्म ही सबका खाना भी निकालते जाती हूँ। तो अभी विशाल के लिए निकाल देती हूँ, बस आया था तो एक दो खीरा खाया और वही शरबत पिया था उसने, इसलिए मैं जल्दी जल्दी खाना वही बनाने लगी थी। तो आइए आप लोग भी, सत्तू वाली पूड़ियाँ तो नहीं है, सत्तू के पराठे हैं, जिसको हम लोग गांव देहात में सत्तू की रोटी बोलते हैं। तो आइए आप लोग भी खाइए और साथ, चलिए ये है विशाल का खाना, पहले उसको दे देते हैं, उसके बाद और आगे बनाएंगे और साथ ही इस वीडियो का एंड भी कर देते हैं। दोस्तों आप लोग लाइक करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।